आपके शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबी का वॉर्म वॉर्म वेलकम। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में 20 इयर्स से खूब ज़्यादा धूम मचा रखी है। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के मेकअप वो करते हैं। ही इज़ वेरी रिनॉन्ड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ और बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर सुभाष शिंदे जी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको उनसे मिलवाते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सर, एंड वेलकम टू लुधियाना। थैंक यू सो मच सर। हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ आप अपने वर्ड्स में दीजिए। ऑलरेडी आपने सब कुछ तो बोल दिया है, तो बस ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 24-25 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी बड़ी फिल्में की, अगर आप गूगल भी कर दोगे अगर नाम मेरा, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं अपने मुँह से बोलने से बेटर अगर वो चीज़ें ज़्यादा दिखेगी आपको सामने। जी सर, इंडस्ट्री में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और आपने बेसिकली जब अपनी स्टार्टिंग की थी तो ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? देखिए, उस टाइम पे 25 साल पहले तो मेकअप क्या किसी को मालूम भी नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था, और ट्रेनिंग ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो हमको प्रैक्टिकली चीज़ें किसी के साथ में असिस्टेंट करके करना पड़ता था, सीखना पड़ता था। अब तो हर जगह ट्रेनिंग स्कूल बन गए, जिसको कुछ नहीं आता वो भी ट्रेनिंग स्कूल को खोल के बैठा हुआ है। तो वो तभी ट्रेनिंग थी, नहीं था हमारा प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों से। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस फेमस एक्ट्रेस के ऊपर अपना आर्ट दिखाते हैं, हम कह सकते हैं अपनी कलाकृति दिखाते हैं, जिससे वो मूवीज़ में आके बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में हमारे सामने प्रेजेंटेबल होती हैं? ऐसा नाम लेना चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन मैंने जितने भी फिल्में की आपने देखी होगी, मैरी कॉम आपने देखी होगी, रामलीला आपने देखी होगी, सरबजीत आपने देखी होगी, हसीना पारकर, तो इनसे बड़े एक्ट्रेस तो अभी मैं क्या बोलूँ। तो ये सारी फिल्में मेरी है और मेरा काम है, आप देख आपके सामने है सारा। इतना टाइम हो गया आपको इस फील्ड से जुड़े हुए, तो आज के मेकअप ट्रेंड्स में और पहले के मेकअप ट्रेंड्स में आपको कि पर्सनली कितना डिफरेंस फील होता है? डिफरेंस तो बहुत सारा है, क्योंकि अभी लोगों का थिंकिंग चेंज हुआ, हमारा कैमरा चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, प्रोडक्ट आ गए, पहले तो इतने प्रोडक्ट्स थे नहीं हमारे पास, हम उस टाइम पे भी ये रिजल्ट देते जो आज आप लोग हज़ार चीज़ें यूज़ करके कर रहे हो। तो डिफरेंस तो बहुत सारा है, क्योंकि आजकल लोग नेचुरल और फ्लॉलेस मेकअप मांगते हैं, तो नेचुरल डिफरेंस है। डोंट यू थिंक सो कि इतना मेकअप अप्लाई करने के बाद स्किन को कितना हार्म पहुंच रहा है? एक्चुअली इतना मेकअप यूज़ करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को टेक्निक पता नहीं होने की वजह से वो बस थोपते जाते हैं और प्रोडक्ट लेते रहते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको अगर टेक्निकल चीज़ें पता होगी आपके फेस पे क्या जाने वाला है, या कोई मेकअप आर्टिस्ट अगर होगा उसको पता है कि इनको किस लिए रेडी करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज मैं तो जब मेरे पास अगर आप देखोगे तो आपको मेरे पास बहुत सारा सामान है, चीज़ें हैं, लेकिन हम उतना ही चीज़ें यूज़ करते हैं, उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जितना उनकी स्किन को ज़रूरत है। तो अदरवाइज़ आप अगर ये समझ जाओगे कि क्यों मेकअप करते हैं और कितना प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत, मतलब ज़्यादा मेकअप थोपने की ज़रूरत पड़ेगी। पर्सनली हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आजकल जब हम टीवी में एड्स देखते हैं तो एक गार्नियर के प्रोडक्ट की एड आते हैं, माइसेलर वाटर, अपना मेकअप रिमूव कीजिए विद इन वन कॉटन पैड, तो आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर मेकअप रिमूव करना हो तो नेचुरली हम किस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं? मैं ऐसे कोई कंपनी को ये नहीं बोल रहा कि आपने वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी कंपनी, बट आई एम आस्किंग यू कि नेचुरल प्रोडक्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बोला शायद कि पहले भी हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, फिर भी हम वही लुक देते थे, आज भी हम उनको ही फॉलो करते, 60s का, 70s का, 80s का लुक हम अभी भी कोशिश करते हैं बनाने का, राइट। सो हमारे पास ये सब थे नहीं कि ये रिमूवर आया या ये एक्स्ट्रा प्राइमर आया, चीज़ें थी नहीं। जब मैं भी जब नया नया सीखने आया था 24-25 साल पहले, तो हमारे पास ये चीज़ें थी नहीं, हम किस चीज़ से मेकअप निकालते थे? अगर आप सुनोगे तब हंसोगे, बताइए प्लीज़। नहीं, अभी वो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर अभी ये बात मैं अगर बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कुछ। सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि पहले कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे। मेरे पास 2 या 3 लिपस्टिक के कलर होते थे, उसमें हम कम से कम 30 मिक्सी लिपस्टिक कलर बनाते थे। हमारे पास मुश्किल से बहुत कम स्किन टोन होते थे, एक आई शेडो की पैलेट आती थी सिंपल सी सादी सी, उसके अंदर मिक्स कर करके हम लोग आई शेडोज बनाते थे। हमारे पास कोई ग्लॉस नहीं होते, उस टाइम पे ग्लॉस आते थे, लिपस्टिक ग्लॉस, हम किस तरह से उसको तैयार करते थे ग्लॉसेस, वो 4 लिपस्टिक को लेके 30-40 लिपस्टिक बनाते थे ग्लॉस के साथ, वो चीज़ें थी मिक्सिंग करके। तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने की वजह से हम अभी जो चीज़ लोग जो सीख के आ रही चीज़ें हो रही वो हमारे सामने कुछ भी नहीं लगता, मुझे क्या कर रहे हैं आप लोग। सेकंड, आपका जो पॉइंट था कि मेकअप कैसा रिमूव किया जाता है, तो एक आता था जॉनसन बेबी ऑयल, सेकंड आता था हमारे पास कोकोनट ऑयल या कोल्ड क्रीम होती थी कोई, आप उससे मेकअप निकाल के देखो, और क्योंकि उससे क्या होता है मेकअप तो निकल जाता है आपका, आपकी स्किन जो ड्राई होती है ना मेकअप निकालने के बाद, वो होगी नहीं, क्योंकि मॉइस्चराइजर मिलता है, नेचुरली चीज़ें मिलती है।
हम अननेसेसरी केमिकल्स के पीछे जब भागते हैं तो हमारा कुछ दिन के बाद आप भी खुद जब आपका मेकअप निकलते खुद को भी नहीं देखना पाते, देखना नहीं चाहते होगी मिरर के सामने, क्योंकि आप इतना मेकअप कर करके करके क्या होता है, हमारी स्किन ना ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन ना डेड हो जाती है। ये चीज़ें नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज वही टेक्निक सीखनी हुई तो लीना के स्टूडियो में आ जाओ लुधियाना में। सर आप किस तरीके के मेकअप्स आप देते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, मतलब रैम वॉक पे मॉडल्स को तो हमने देखा ही है, तो और किस टाइप के मेकअप्स आप करते हैं? सी मेकअप का कोई एंड नहीं है, एवरीडे हम लोग नई नई टेक्निक्स तैयार करते हैं। जब हम रैम का डिफरेंट होता है बिकॉज लाइटिंग डिफरेंट होती है, वहाँ पर एक कलरफुल लाइट होती है, तो हमको कलरफुल लाइट में उनको किस तरह से इन्हांस करना है, दैट्स अ डिफरेंट टेक्निक। आप जब फिल्म्स करते हो तो फिल्म्स में दो टाइप के मेकअप होते हैं, दो नहीं आई थिंक 10 टाइप के मेकअप होते हैं, कि जो इंडोर अलग होता है, आउटडोर अलग होता है, आप धूप में शूट करते हुए अलग होते हैं, आप बर्फ़ के अंदर शूट करते हुए अलग होते हैं, आप नाइट शूट करते हुए अलग होते हैं, तो हर टाइम पे हमको मेकअप की टेक्निक, मेकअप का क्वांटिटी, मेकअप की चीज़ें, मेकअप के कलर्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन वो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या एक वो चलता है, ट्रेंड चला है, ब्राइड आई उसको तो पहले 4-5 लेयर तो पहले लगा दो, फिर पता नहीं कितने टाइप के बेस लगा दो, तो वो लगता है ब्राइड के फेस पे 4 किलो मेकअप तो ऐसे लग जाता है, वो ब्राइड समझ में नहीं आती, उसका स्किन दिखती ही नहीं है। फिर 2 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि उसका तो मेकअप निकलना पैचे होना चालू होता है, दूसरी बात ये होती है कि उसकी स्किन भी डेड लगने लगती है, फिर वो डेड स्किन छुपाने के पीछे हम और शाइन लगा देते हैं। ये चीज़ें है ही नहीं, ये टेक्निक है ही नहीं है, टेक्निक बहुत डिफरेंट है। दो चीज़ में आप पूरा प्रॉपर मेकअप कर सकते हो और दिस इज द ऑल डिफरेंस, क्योंकि आपका सीरियल का अलग होगा मेकअप, आपका म्यूजिक वीडियो का अलग होता है, आपका नॉर्मल, आप अगर बाहर आगे निकलते हो घर से तो आपका जो पर्सनली जो होता है पर्सनल ग्रूमिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग्स। हम वो मेकअप यहाँ नहीं चला करा सकते, वो बहुत एक आपका नेचुरल लगना चाहिए, आप ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, आपका मेकअप होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, तो वो सारी टेक्निक्स है वो सारी सीखनी पड़ेगी। लास्ट सर हम चाहते हैं कि जाते जाते आप लुधियाना आए हैं, लुधियानवी को ऐसा रिगार्डिंग टू मेकअप टिप्स आप अपनी तरफ से पर्सनली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके के मेकअप टिप्स डेली यूज़ में उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखो कम से कम मेकअप यूज़ होना ये तो सबको पता है, लेकिन हम चाहते सबको कम से कम मेकअप यूज़ करें, लेकिन हम लगाते उतना ही मेकअप है। तो ट्राई ही करो कि कोई जो आपका एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, उसके पास जाओ। ऐसा कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, हर आपने आपको सेलिब्रिटी समझ के मेकअप आर्टिस्ट बन जाते, वैसा नहीं होता है, आप रियल देखो, क्योंकि हर डॉक्टर जब तक ऑपरेशन नहीं करे उसे समझ में नहीं आएगा कि बाबा कितना चीज़ों की ज़रूरत है, कोर्स तो सब करके आते हैं, लेकिन यही टेक्निक अगर वो देखनी होगी, चीज़ें करनी होगी, लीना के लीना जो मेरी स्टूडेंट थी, बहुत हुनर स्टूडेंट थी और बहुत पावरफुल स्टूडेंट थी, तो जिन्होंने यहाँ पर आके ओपन किया, तो यहाँ पर टेक्निक आपको पता चलेगी। सेकंड थिंग, आप जब निकलते हो बाहर तो कम से कम मेकअप यूज़ होना चाहिए, इसलिए कि आप जब बाहर निकलो बार बार टचअप नहीं करोगे, आप जितना थिक मेकअप करोगे आपको टचअप करना पड़ेगा, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा और वो टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगा। मैं ऐसे फोन पे इस पर इंटरव्यू में बोल के आपको नहीं समझ में आएगा, वापस कंफ्यूज जाओगे, वापस कोई मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे, वापस वो आपको कंफ्यूज करेगा, वापस थक जाओगे। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ बॉलीवुड के रेनॉन्ड मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर सुभाष शिंदे जी, जिनकी तरफ से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिला कि प्लीज़ डोंट अप्लाई सो मच मेकअप ऑन योर स्किन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो हमारी स्किन को डेफिनेटली हार्म करेगा ही करेगा। और एक मैसेज उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा मिला रिगार्डिंग टू मेकअप रिमूवल की, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट टू रिमूव योर मेकअप। तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। मैं बहुत पॉसिबिलिटीज़ देख रहा, लीना साड़ी वुमेन फोरम की टीममेट हैगी है, तो द वे शी इज़ मूविंग अहेड, जिन्हें जोश नाल जिन्हें पैशन नाल काम करती है, तो मैं तेन देखा डी डी जैन कॉलेज के कुड़ियों इन्हें जो ट्रेनिंग दी तो कमाल करता, उन्होंने सिर्फ वो अपने आप को कैरी किदा करना, सोहना किदा लगना, इन्ना क कराने के नाल ही कॉन्फिडेंस बहुत वध गया। तो मैनू जिदा औरतों अच्छा लगता, उन्होंने कॉन्फिडेंस वधदा, तो ये तो मेकअप करा के मैनू लगता कि शी कैन क्रिएट वैल्यू फॉर वूमेन, तो बहुत वधिया करेगी, तो बहुत कामयाब होएगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ, बहुत पॉसिबिलिटीज़ ने ये अगे स्कोप, तो मैं ये हिम्मत की दस देना कि जिहड़े तरीके ने बड़ी स्पीड से अपना प्लान किया, फ्रीलैंसिंग करती सी तो हुण अपना स्टूडियो बनाया, तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत कामयाब होएगी। Thank you.